अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुसीबत से बचाए। ए1 पकवान चैनल की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वनीला स्पंज केक, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और लाजवाब। तो हम इसको बनाएंगे डिफरेंट फ्रूट से। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो चले हम आज ये केक बनाना की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ली है, ये हम ग्राइंडर में इसको आज बनाएंगे। तो ये मैंने डाल दिया है जग में 1 कप जो है चीनी। अब हम 1/2 कप ऑयल लेंगे, ये भी हम इसमें डाल देंगे जग में, और इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने 4 अंडे लिए हैं, पहले हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। तो इसको ग्राइंड, इसके साथ ही हम 1 चम्मच डाल देंगे मैदे का, और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। फिर हम दूसरा अंडा डाल देंगे, और फिर हम 1 चम्मच और अंडे मैदे का डाल देंगे। इसी तरह हम 4 अंडे जो है डालेंगे, और 1-1 चम्मच मैदे का डाल देंगे। चारों अंडों के साथ 4 ही हमने चम्मच मैदे के डालने हैं। तो इसको तकरीबन 7 मिनट तक हमने अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस लिया, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे, फिर हम इसको बाउल में डाल देंगे। और ये तो हमारा वेट इन्ग्रीडियंट्स, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो सबसे पहले जो है मैंने मैदा 1 कप लिया है। टोटल हमारा मैदा जो है 1.5 कप इसमें मैंने ऐड किया, 4 चम्मच हमने पहले इस्तेमाल कर लिए थे, और 1 कप हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के डाल दिए, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के इसमें ऐड कर रही हूँ। और 4 चम्मच जो है मैंने ये ड्राई मिल्क के डाल दिए, और 1 चुटकी नमक इसमें ऐड कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, और हैंड बीटर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको मिक्स ज़्यादा देर तक नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना। आपने एक साथ सारा मैदा नहीं डालना, फिर वो मिक्स करने में दिक्कत होती है, और वैसे भी सही मिक्स नहीं होता, तो इसलिए आपने इस तरह ही डालना है। 3 स्टेप बना लें, तो 3 दफ़ा ही डाल के इस तरह हैंड बीटर से आपने इसको मिक्स कर लेना। तो फिर हम इसमें, ये देखिए, अब मैंने ये एक बाउल लिया, तो इसको ऑयल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। इसमें 2 चम्मच हम मैदे के डाल देंगे, तो इसको अच्छे से बाउल को जो है ना मैदे से भी हम ग्रीस कर लेंगे। आज हम इसमें रखेंगे नहीं बटर पेपर, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी रहता है मैदा लगा के इसको बाउल को कर लेना ग्रीस। तो ये ज़्यादा इजी है अभी वो बटर पेपर से। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाल दिया, जो मिक्सचर हमने तैयार किया था केक के लिए, तो इसको थोड़ा सा डैप डैप किया ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। तो अब मैंने ये पतीला लिया, इसको 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया। अब हम इसमें केक को रख देंगे, और ऊपर से अच्छे से ढाँप देंगे, और तकरीबन इसको 45 मिनट के बाद चेक करेंगे। केक में कुछ फ्रूट ऐड करने के लिए ये मैंने लिया है एप्पल और बनाना, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया और कटिंग कर लिया। अब इसमें हम ये देखें, केक मैंने फ्राई पैन लिया, तो उसमें दोनों को ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा बस हल्का सा इसको पकाना है, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। इसमें ये मैंने 2 चम्मच मैंगो जैम के ऐड कर दिए, ताकि इसमें थोड़ा सा मैंगो का फ्लेवर आ जाए। तकरीबन आपने सिर्फ हल्का सा इसको पकाना है, ये देखिए
अब हम इसको उतार लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए रख लिए। ये देखिए जो मिक्सचर रह गया था, अब हम इसमें 3 चम्मच और मैंगो जैम के ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये जो जैम का लिक्विड है अच्छे से बन जाए और हमारे केक के ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है ये इसी जैम की करनी है हमने, मैंगो जैम की, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये है हमारा मिक्स फ्रूट केक। ये देखें 2-3 मिनट पकाने के बाद जैम हमारी तैयार होगी। अब हम इसको भी उतार लेंगे। 45 मिनट के बाद ये देखें हमने केक को चेक किया तो अच्छे से हमारा केक जो है फूल गया है और पक भी गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से भी ये देखें कितना पका हुआ है। ये देखें जाली कितनी, देखें खूबसूरत नज़र आ रही है केक की। ये बहुत मज़े का केक टोट इसके लिए तैयार किया था, वो देखें। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे केक के एक हिस्से के ऊपर। अच्छे से लगाने के बाद दूसरे हिस्से को हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें अच्छे से हमने टोट को लगा लिया इसके ऊपर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और क्योंकि इसमें मैंगो है, इसमें बनाना है और इसमें एप्पल है, तो बहुत मज़े का ये केक बनेगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा अगर पूरे तरीके को फॉलो करेंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे और अपनी जो जैम है इसके ऊपर लगा देंगे, जो मैंगो जैम हमने बनाई है तो इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए उसके लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा वो पिस्ता लिया, उसको कटिंग करके इसके ऊपर लगा दिया ताकि इसकी जो डेकोरेशन है अच्छे से हो जाए और खूबसूरती में इसकी इजाफा हो जाए। तो पिस्ते को हम अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद मैंने एक चेरी का जो है पीस इसके ऊपर रख दिया। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारा केक बनके मल्टी फ्रूट स्पंज केक बनके तैयार हो गया। व्यूअर्स अगर आपको ये तरीका पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें प्लीज़। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।